गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। सो आज मैं लेके आई हूँ दो इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी एंड वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। सेकेंड इज फिलिंग है, आपका डिनर में पंगा नहीं कराएंगे, रात को भूख नहीं लगने देंगे आपको एंड यू फील गुड उसके बाद ना, क्योंकि डाइट करते समय ना हमारा हमेशा शाम का 4 से 6 का जो टाइम होता है ना वो पंगे वाला टाइम होता है, उसमें हम कुछ भी गड़बड़ कर लेते हैं। दो बिस्किट्स, थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी सी भेलपूरी, थोड़ा सा कुछ भी क्रेव करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं, अगले सुबह वेट बढ़ जाता है एंड वी फील लाइक यार कांड हो गया, गड़बड़ हो गई। सो ऐसी सिचुएशन में ना हम इवनिंग का स्नैक्स को ना इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि अगर इवनिंग में आप सेटिस्फाई नहीं हुए ना क्रेविंग को लेकर, डिनर में आपने पूरा स्यापा कर देना है, सब कुछ खराब कर देना है, कुछ ना कुछ खा के अगली सुबह वेट बढ़ा देना है। सो इवनिंग की स्नैकिंग के लिए मैं आज लेके आई हूँ 2 सुपर रेसिपी जो कि आप यूज़ कर सकते हो कोई भी डाइट प्लान के साथ। फर्स्ट इज बाजरा का लड्डू। एक लड्डू बहुत ही फिलिंग है, ट्रस्ट मी, मतलब आपको फील करेगा कि हाँ यार सेटिस्फाई। एक लड्डू, एक की जगह 2 भी खा सकते हो अगर छोटे बनाए हैं तो। उसके अलावा मैं दूंगी ओट्स एंड मैंगो पुडिंग, 2 चम्मच ओट्स एंड मैंगो पुडिंग के एंड यू फील गुड। जिनको ना शाम को ग्रीन टी पीना अच्छा नहीं लगता, जिनको लगता है कि गर्मी है हमको कुछ ठंडा ठंडा चाहिए, कुछ भी मैंगो का चाहिए या कुछ भी क्रेव हो रहा है कुछ भी मीठे का, मैंगो एंड ओट्स पुडिंग इज फॉर यू गाइस। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले मैंने लिया है पैन और हम पहली जो स्नैक लड्डू बनाने जा रहे हैं वो है बाजरा का लड्डू। सो उसके लिए मेरे पास है ये होममेड घी, ये मैंने घर का घी बनाया है। इसके मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा और 3। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है ये रहा बाजरे का आटा, सो इसके मैं लूंगी 2 बड़े चम्मच। सिम आंच पे इस आटे को बहुत ही अच्छे से अब हम भूनेंगे। हम इसको बिल्कुल अच्छे से भूनते रहेंगे, तब तक हाथ चलाते रहिएगा। अगर आपने इसको स्टेबल कर दिया और आपने 5 मिनट बाद इसको मूव करा इस फ्लावर को, तो ये जल जाएगा। सो मेक श्योर आपको खड़के ही बनाना पड़ेगा। ओके जी, सो ये जो आटा है मेरा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ना सीड मिक्स है। अब सीड मिक्स इसके अंदर क्या क्या है, मेरे पास है इसमें, अगर यहाँ पे आप देखो, फ्लेक्स सीड, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। सो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ में इसको भी हम भूनेंगे। ऑलराइट गाइस, सो ये जो हमारा पूरा मिक्सचर है इसको अब मैं कन्वर्ट कर दूंगी एक बाउल में ताकि वो ठंडा हो जाए। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख दिया है हमने। ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है पैन। सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी कोकोनट शुगर। आप कोई भी टाइप का चीनी यूज़ कर सकते हो, चीनी बोले तो खांड, आप देसी खांड यूज़ कर सकते हो, आप गुड़ यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके अलावा भी आप और कौन सी चीज़ें आती हैं, गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हो, बट डायरेक्टली चीनी आप ऐड मत कीजिएगा। अच्छा जी, सो अब हम इसको मेल्ट करेंगे बहुत ही अच्छे से। मुझे एक्चुअली कोकोनट शुगर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगा है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच पानी। अब ये जो लिक्विड कंसिस्टेंसी आ गई है इसको हम क्विकली, जो हमारा मिक्सचर है क्रैक को, इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाइक दिस। और अब इसको हम अच्छे
अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही अच्छे से। ओके सो गाइस, जो लिक्विड हमने बनाया था पैन में वो मैंने एकदम से इसके अंदर डाल दिया, अदरवाइज वो ठंडा हो जाता तो प्रॉब्लम आती। और ये लिक्विड सारा इसके अंदर मिल चुका है, अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए पंखे के नीचे, एंड फिर हम इसके बनाएंगे लड्डू। ओके जी, सो ये हो गया है ठंडा, पंखा मैंने ऊपर चला रखा है अपनी किचन में, अब हम इसके बनाएंगे लड्डू, छोटे छोटे लड्डू। ये रहे जी हमारे बाजरा के लड्डू, इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे गर्मियों में, सर्दियों में बाहर, एंड दिस इज रियली यम। तो चलिए जी, सबसे पहले हमें चाहिए एक आम, नॉर्मल साइज का आम हमको चलेगा, इसको सबसे पहले हम छीलेंगे। ये आम मेरा थोड़ा सा खराब निकला, सो ओप्स और खराब है, तो हम इसका ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। सो मैं एक और मैंगो छीलूंगी, सो ये रहा मैंगो, इसको बिल्कुल छोटा छोटा, जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा छोटा हमने इसको कट कर दिया। ओके जी, सो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे पैन, ये रहा, पंखा मैं कर देती हूँ बंद क्योंकि बहुत गर्मी है, मैंने फैन ऑन कर रखा है। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ओट्स, ओट्स के मैं लूँगी एक चम्मच, दो बड़े चम्मच काफ़ी है। अब इसको हम लाइट ब्राउन होने देंगे, बिना घी बिना पानी बिना किसी चीज़ के, जस्ट लाइट ब्राउन इसी को करना है। सो ये ओट्स जो हैं मैं दो मिनट से अच्छे से इनको भून रही हूँ, एंड बहुत ही हल्के हल्के ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के आ गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वाटर, सिर्फ इतना, क्योंकि मुझे इसे क्रीमी टेक्सचर में करना है, थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पक्का, फुल ऑन पका हुआ नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आएगा डिश में। डन, थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, मुझे क्रीमी चाहिए ये, मैं मिल्क ऐड नहीं करना चाहती, कैलरी काउंट्स बढ़ जाएगा हमारा। अच्छे से हम इसको पकने देंगे, यस ये वाला कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए था। अब इसको बस इतना कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, हम इसको और नहीं कुक करेंगे अभी। सो यहाँ पे मेरे पास है बाउल, अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा ओट्स बना है इसका एक लेयर मैं यहाँ पे डालूँगी ऐसे, जस्ट वन लेयर लाइक दिस, गरम गरम ओट्स का एक लेयर हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ये हम वन वीक का सामान बना रहे हैं पूरा। ये मेरे पास जो हमने काटे थे मैंगो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके नेक्स्ट इज एक और लेयर बना देते हैं, अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी मेरा ये मैंगो। ओके सो अगर यहां से देखोगे सो इट्स अ लेयर ऑफ ओट्स एंड मैंगो, ये रहा। ओके जी, सो अब हम यहाँ पे फ्रिज में लगा देंगे हमारा ये, और उसको 24 घंटे तक ठंडा होने देंगे अच्छे से। सो ये रहा एकदम ठंडा ठंडा। ओके जी, सो इसका खाना कितना है, ये मेरे पास एक करछी है नॉर्मल करछी, इसका हम निकालेंगे 1 स्कूप एंड 2 स्कूप, सो हमें इतना खाना है, दिस मच, एंड अच्छी जन्नत नसीब हो जाएगा, अच्छी वाली फीलिंग। वेलकम बैक गाइज, सो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, कैसे लगे आपको, एंड स्पेशली सेकेंड वन, जो सेकेंड वाला है वो मेरा फेवरेट है, ओट्स एंड मैंगो वाला पुडिंग वाला। सो या प्लीज़ यू नो
try these recipe and share your feedbacks. So yeah, that's it. So I'll see you soon in my next upcoming video, jo ki hoga detox water ka recipe. So yeah, that's it. So I'll see you soon, guys. So till that time, take care, ji. Bye bye. Namaste.